हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए फिर से कुछ नया सीखते हैं और ख़ुद को और बेहतर बनाते हैं। आज कुछ कॉमन पिंग रिप्लाई एरर के बारे में समझेंगे कि जब अपने नेटवर्क में किसी होस्ट नेम या होस्ट आईपी को हम पिंग टेस्ट करते हैं तो जनरली कुछ इस टाइप के एरर देखने को मिलते हैं, जिसमें डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, रिक्वेस्ट टाइम आउट, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट, पिंग ट्रांजिट फेल्ड और हार्डवेयर एरर। ये सारे कॉमन एरर हैं जो पिंग रिप्लाई के दौरान हमको देखने को मिलते हैं। पिंग रिप्लाई एरर का एरर टाइप 1 है, डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल। पिंग रिप्लाई में हमको यह एरर कब और क्यों मिलता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम google.com को पिंग करते हैं। google.com पिंग करने पे यह google.com की आईपी और उसके रिप्लाई आ रहे हैं। google.com को पिंग करते हैं तो नेटवर्क कुछ इस तरीके से काम करता है। 4 ICMP पैकेट गूगल सर्वर को भेजे जाते हैं और उन्हीं के रिप्लाई हमें गूगल सर्वर वापस करता है। अब एक केस लेके समझते हैं कि हमने google.com की आईपी को पिंग करा, ये हमारा रिप्लाई आ रहा है डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल। हमारे कंप्यूटर ने 4 ICMP पिंग रिक्वेस्ट हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी मॉडम को भेजा। मॉडम के पास आगे रूट की जानकारी ना होने की वजह से उसने एरर मैसेज रिटर्न कर दिया कंप्यूटर को। इस टाइप के पिंग एरर आने के क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? पैकेट रूटिंग का इशू हो सकता है, या डेस्टिनेशन नेटवर्क डाउन हो सकता है, या हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवे पे आउटडेटेड रूटिंग टेबल हो सकता है। ये रीजन 1 है जिसमें पैकेट इशू हो सकता है कि पैकेट आगे ना जा रहा। दूसरा है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क ही हमारा डाउन हो। तीसरा है कि हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास आउटडेटेड रूटिंग टेबल हो। इस तरह के पिंग एरर को ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक बार नेटवर्क डिवाइसेस को रिस्टार्ट कर देना चाहिए, लोकल होस्ट एंट्री को डिलीट कर लेना चाहिए, और फायरवॉल सिक्योरिटी एप्लीकेशन है तो उसको एक बार डिसेबल करके चेक करना चाहिए। पिंग एरर रिप्लाई का ये टाइप नंबर 2 एरर है जिसमें डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बताता है। पिंग रिप्लाई में हमको यह एरर कब और क्यों मिलता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको करके देखते हैं। इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस लेते हैं, हमने पिंग करा DNS सर्वर 8.8.8.8 को और हमको रिप्लाई मिलता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। यदि रिप्लाई का फॉर्मेट ऐसा है तो इसका मतलब कि हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवे और मॉडम से रिप्लाई आ रहा है, जिसके पास आगे के रूट की कोई जानकारी नहीं मौजूद है। दूसरा केस लेते हैं। इस केस में मान लीजिए हमने फिर से पिंग करा उसी सर्वर को और हमें रिप्लाई किसी आईपी के फॉर्म में आ रहा है, कोई आईपी रिप्लाई कर रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। यदि रिप्लाई का फॉर्मेट ऐसा है तो इसका मतलब कि हमें किसी इंटरमीडिएट नेटवर्क राउटर से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल है। इस केस को एक एक करके हम देख सकते हैं, दोनों केस इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये दोनों रिप्लाई किस किस कंडीशन में हमको आती हैं। इस तरह के पिंग एरर रिप्लाई के क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास रूट नहीं हो, पैकेट रूटिंग का कोई इश्यू हो, डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो डाउन हो, किसी और तरह का कॉन्फ़िगरेशन गलत हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह के एरर को ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें एक बार फिर से नेटवर्क डिवाइसेस को पावर साइकिल कर देना चाहिए और आईपी वर्जन बदल सकते हैं, फिर से अपने फायरवॉल सिक्योरिटी एप्लीकेशन को डिसेबल करके देख सकते हैं। पिंग एरर रिप्लाई का एरर नंबर 3 है, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। पिंग रिप्लाई में हमको यह एरर कब और क्यों मिलता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको डिस्कस करते हैं। हमने फिर से दोबारा पिंग करा 8.8.8.8 और हमको रिप्लाई आता है रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, चारों पैकेट फेल्ड होते हैं। इस तरह का पिंग एरर हमको ये बताता है कि हमारे कंप्यूटर ने डेस्टिनेशन होस्ट के रिप्लाई को एक रीजनेबल अमाउंट टाइम तक वेट करा, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ रिसीव नहीं हुआ। इस तरह के एरर आने के पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं? या हमारे कंप्यूटर को आने वाले पैकेट को सही से रूट ना मिल रहा, आपका फायरवॉल हो सकता है कि इस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा हो। इस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम किसी और होस्ट के एड्रेस को पिंग करके देख सकते हैं, हम अपना लोकल होस्ट पिंग करके देख सकते हैं, फायरवॉल सिक्योरिटी एप्लीकेशन है एक बार उसको डिसेबल करके देख सकते हैं। पिंग एरर रिप्लाई का ये एरर टाइप नंबर 4 है, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट। पिंग रिप्लाई में हमको यह एरर कब और क्यों मिलता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको देखते हैं। हमने पिंग google.com करा, हमको रिप्लाई में मिला पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट google.com, प्लीज चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। उस केस में हम क्या करते हैं, हम किसी नॉन आईपी को पिंग करके देखते हैं। यदि हमको रिप्लाई प्रॉपर आ रहा था, इसका मतलब हमारे DNS सर्वर का इशू है। इस तरह का एरर आने का मेन रीजन होता है कि हमारे DNS सर्वर में कोई इशू है,
जो हमारे एड्रेस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, हमारे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद करके रखना आसान नहीं है। इस तरह के पिंग एरर होने के क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? होस्ट नेम को आईपी में नहीं बदल पा रहा हो, हमारे डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है, या डीएनएस सर्वर जो है वो कनेक्टेड ही नहीं। इस तरह के एरर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? करंट डीएनएस डिटेल को फ्लश कर सकते हैं, किसी वर्किंग डीएनएस सर्वर का एड्रेस असाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। पिंग एरर रिप्लाई का ये एरर टाइप नंबर 5 है, पिंग ट्रांसमिट फेल जनरल फेलर। पिंग रिप्लाई में हमको ये एरर कब और क्यों मिलता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको देखते हैं। हम पिंग करते हैं 8.8.8.8 को और हमको रिप्लाई में आता है पिंग ट्रांसमिट फेल्ड और जनरल फेलर। इस तरह के पिंग रिप्लाई एरर का मेन रीजन होता है कि हमारा जो TCP/IP या DNS सेटिंग जो हमने करी हुई है अपने नेटवर्क कार्ड की या नेटवर्क एडाप्टर में, वो इनकरेक्ट है, या किसी तरह का ड्राइवर सॉफ्टवेयर इशू होता है। इस तरह के पिंग एरर के क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? हमारी रॉन्ग TCP/IP डीएनएस सेटिंग हो सकती है, हमारे आउटडेटेड नेटवर्क एडाप्टर ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हमारा फायरवॉल रॉन्गली कॉन्फ़िगर्ड है। इस तरह के एरर को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? अपना TCP/IP या DNS सेटिंग को दोबारा से कर लें, फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोग्राम को एक बार चेक कर लें, सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। पिंग एरर रिप्लाई का एरर टाइप नंबर 6 है, हार्डवेयर एरर। पिंग रिप्लाई में हमको यह एरर कब और क्यों मिलता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको करके देखते हैं। हमने पिंग किया 8.8.8 यूनिवर्सल DNS सर्वर का और हमको रिप्लाई आता है हार्डवेयर एरर। इस तरह का एरर हमको तब मिलता है जब हमारा नेटवर्क एडाप्टर कार्ड डिसेबल हो, या फिर जो हमने ईथरनेट केबल कनेक्ट करा है कंप्यूटर से वो ठीक से नहीं लगा हो। इस एरर के आने के क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? हमारी ईथरनेट केबल की कंडीशन ठीक ना हो, या हमारा ईथरनेट केबल डिसकनेक्टेड है, या फिर हमारा नेटवर्क एडाप्टर कार्ड ही डिसेबल है। इस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने ईथरनेट केबल को दोबारा लगाएं, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड को चेक करें, सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं, किसी पुरानी केबल को हम नए से रिप्लेस कर सकते हैं। जब हमारा नेटवर्क बिल्कुल ठीक होगा तो हमको रिप्लाई कुछ इस तरीके से मिला करेगा। यह हमारा ग्लोबल DNS सर्वर से रिप्लाई है, ये हमने अपना लोकल होस्ट पिंग करा है जिसका रिप्लाई है। वीडियो में जानकारी आपके काम की है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।